हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का वीडियो होने वाला है अल्लू अर्जुन फुल एक्शन मूवीज इन हिंदी। यानी इस वीडियो में मैं आपको अल्लू अर्जुन की वो बेस्ट 6 फिल्मों का नाम बताऊंगा जो आपको फ्री में हिंदी में डब की हुई यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी, जो आप इस वीडियो देखने के तुरंत बाद जाके देख सकते हो। पिछले साल पुष्पा द राइज के रिलीज होने के बाद आज शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा हिंदुस्तान में जो अल्लू अर्जुन को एज अ एक्टर नहीं जानता हो। ऐसी ही आपको एक्शन पैक्ड और स्टोरी से भरपूर फुल मास एंटरटेनमेंट वाली ऐसी 6 फिल्मों का नाम जानना है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चलिए जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। जो 6 नंबर की फिल्म है उसका नाम है सराय नोडू। अल्लू अर्जुन इसमें एज अ एक्स मिलिट्री मैन का रोल प्ले करते हैं और जो करप्ट बिजनेसमैन होते हैं या करप्ट लोग होते हैं या गुंडे मवाली रहते हैं जिनको कानून के लूप होल्स के वजह से छुटकारा मिल जाता है, ऐसे लोगों को सजा देने का काम अल्लू अर्जुन इस फिल्म में करते हैं और उनको अपने काम पे बहुत ज्यादा गर्व भी रहता है और कई सारे गरीब लोग उनके पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। ऐसे में होता यह है कि अल्लू अर्जुन के लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम रहता है फिल्म में महालक्ष्मी। और उसकी एंट्री होने के बाद जैसे नॉर्मली फिल्मों में होता है कि हीरो जो है वो हीरोइन के प्यार में पागल हो जाता है, वैसे ये पागल हो जाते हैं। और जब महालक्ष्मी को ये पता चल जाता है कि अल्लू अर्जुन काम क्या करते हैं तब वो जान के थोड़ा सा शॉक हो जाती है और वो एक शर्त रखती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुमको ये सब मारपीट वाले जो काम है ये बंद करने पड़ेंगे। तो क्या महालक्ष्मी के वजह से अल्लू अर्जुन वो सारे काम छोड़ देता है, सब आपको जानना है तो इस फिल्म को आप YouTube पे जरूर देखना। इसी लिस्ट में 5th नंबर पर फिल्म आती है जुलाई, हिंदी में मिलेगी एज अ नाम डेंजरस खिलाड़ी। 2013 में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया था और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को बहुत ही सराहा था। इसमें अल्लू अर्जुन जो है वो एक मास्टर माइंड का रोल प्ले करते हैं जहाँ पे बड़े बड़े पुलिस वाले कोई केसेस सॉल्व नहीं कर पाते, ऐसे जगह पे जाके अल्लू अर्जुन अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसे भयंकर भयंकर केस सॉल्व करते हैं। ऐसे में उनका पाला पड़ता है एक गैंगस्टर से जिनका रोल निभाया है सोनू सूद ने। वो एक रॉबरी प्लान कर रहा होता है और वो रॉबरी की पहले ही भनक लग जाती है अल्लू अर्जुन को और वो पुलिस को उसकी खबर दे देता है। उसके बाद क्या होता है ये सब आपको देखना है तो डेंजरस खिलाड़ी ये फिल्म आपको यूट्यूब पे अवेलेबल फ्री में मिलेगी, आप जरूर देखिए। इसी लिस्ट में 4th नंबर पे फिल्म आती है रेस गुर्रम। इसको हिंदी में नाम दिया गया था मैं हूँ लकी द रेसर। हालांकि ये फिल्म एक्शन के साथ साथ एक कॉमेडी फिल्म भी थी। ये 2014 में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की पहली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का मार्क पार किया था और 2014 एक ऐसा टाइम था उस वक्त बड़ी सी बड़ी हिंदी फिल्में भी 100 करोड़ का बिजनेस नहीं कर पाती थी। तो लकी द रेसर ये कहानी है दो भाइयों की, राम और लक्ष्मण की। राम का किरदार निभाया है एक्टर श्याम ने और लक्ष्मण का किरदार निभाया है हमारे अल्लू अर्जुन ने। तो इन दोनों का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल अलग अलग रहता है। श्याम जो रहता है वो बाय बुक जाना पसंद करता है यानी सीधा रहता है और वहीं पे अल्लू अर्जुन जो रहता है वो टेढ़ा काम करने में एक्सपर्ट रहता है। वहीं पे आगे जाके जो उसका भाई राम रहता है वो पुलिस वाला बन जाता है और उसी दरमियान इन दोनों की दुश्मनी हो जाती है वहां के एक बहुत बड़े गैंगस्टर से जिसका किरदार निभाया है मुकेश ऋषि ने। तो क्या राम और लक्ष्मण दोनों भाई मिलके उस गैंगस्टर का एम्पायर खत्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसमें 3rd नंबर पर फिल्म आती है अला वैकुंठपुरमुल्लू। ये फिल्म 17 सितंबर को गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स का जो यूट्यूब चैनल है उस पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। जहां पे ये फिल्म पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आई थी वहीं पे इस फिल्म की क्रिटिक्स ने भी बहुत हद तक सराहना की और ये फिल्म अल्लू अर्जुन के करियर की एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मानी जाती है। यानी पुष्पा द राइज के बाद अगर अल्लू अर्जुन की सबसे बिगेस्ट हिट पूछोगे आप तो ये फिल्म का नाम लिया जाता है। तो ये कहानी है बंटू नाम के एक लड़के की जिसका कैरेक्टर निभाया है अल्लू अर्जुन ने, जो हमेशा अपने बाप की डांट खाते रहता है क्योंकि ये बहुत गलत सलत काम करते रहता है और बाप इसको डांटते रहता है। जहाँ पे बाप को लगता है कि मेरा बेटा सुधर जाएगा वो सुधरने की जगह पे बिगड़ जाता है। यहाँ तक कि उसको MBA करने के लिए फॉरेन भेजा जाता है लेकिन वहां पे MBA का स्टडीज पूरा करके आने की जगह पे ये बच्चा वहां से भाग के रिटर्न आ जाता है। और जब वो रिटर्न आता है उसके बाद उसको पता चलता है
कि जो उसके माँ बाप है वो उसके सगे माँ बाप है ही नहीं, उसके रियल माँ बाप कोई और है। तो ये पता चलने के बाद वो अपने लाइफ में क्या डिसीजंस लेता है वो आपको देखना है। तो ये फिल्म 17 सितंबर को गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स पे जाके जरूर देखिएगा। इसके बाद जो दो फिल्म है मैं बताने वाला हूँ सेकेंड और फर्स्ट नंबर की पॉसिबिलिटी है कि आपने ये फिल्में देखी हो सब। ये उसके करियर की सबसे बेस्ट फिल्में मानी जाती है। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे फिल्म आती है आर्या 2। इस फिल्म को हिंदी में आर्या एक दीवाना नाम से रिलीज किया गया था। ये कहानी है दो अनाथ बच्चों की, जिसमें एक का किरदार अल्लू अर्जुन निभा रहा है जिसके कैरेक्टर का नाम है आर्या, और एक किरदार का नाम है अजय जिसका कैरेक्टर निभा रहा है एक्टर नवदीप। अनाथ आश्रम से बाहर निकलने के बाद ये जो दो दोस्त रहते हैं ये अलग हो जाते हैं, और ये अलग होने के बाद ये दोनों बिल्कुल ही अलग करियर का पाथ चूज करते हैं। और उसके बाद अल्लू अर्जुन को जहाँ पे पता चलता है कि उसका दोस्त अजय जो है बहुत बढ़िया ऑफिस में काम पे लगा है, तो अल्लू अर्जुन भी वहाँ पे जाता है और वहाँ पे वो इस तरह से प्रिटेंड करता है कि वो बहुत ही सभ्य लड़का है, जबकि उधर की बहुत सारी लड़कियाँ उस पर मरने लगती है, लेकिन वो किसी भी लड़कियों को भाव नहीं देता है। और वहीं पे उसकी मुलाकात हो जाती है अजय के ऑफिस में काम करने वाली गीता के साथ, जिसका किरदार निभाया है एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने, और उसको एक दिन लिटरली वो लिफ्ट में किस तक कर देता है, और बाद में उसको रिवील होता है कि अजय भी गीता से प्यार करता है। तो इस लव ट्रायंगल का आगे जाके क्या नतीजा निकलता है ये आपको देखना है, तो ये फिल्म जरूर देखिएगा। और इसी लिस्ट में नंबर 1 पे जो फिल्म आएगी उसका नाम शायद ही मुझे आपको बताना पड़ेगा, अगर आप अल्लू अर्जुन के रियल फैन हो तो आपको पता होगा उसके करियर की सबसे बेस्ट फिल्म थी आर्या। उस फिल्म को आर्या की प्रेम प्रतिज्ञा नाम से रिलीज किया गया था हिंदी में। तो आर्या ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने अल्लू अर्जुन के करियर को एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया था। ये उसके करियर की सिर्फ दूसरी फिल्म थी और उसी वक्त ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सिर्फ 4 करोड़ में बनी हुई इस फिल्म ने उस वक्त 30 करोड़ का बिजनेस किया था, और 2004 के टाइम पे कोई फिल्म ने 30 करोड़ का बिजनेस करना यानी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। इस फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार है जिन्होंने पुष्पा द राइज भी डायरेक्ट की, वही इस फिल्म के डायरेक्टर भी रहे थे, उनको एज अ बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी साउथ फिल्म फेयर में मिला था। और अल्लू अर्जुन के एक्टिंग की इस फिल्म में बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी, इसकी कहानी की भी बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी। तो गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।